हाँ भाई साहब, जय हिंद आर्मर ट्रेड टेस्ट वालों, आप लोगों का तो हालत बहुत बेकार है मुझे पता चला है। और अगर आपका आर्मर ट्रेड टेस्ट लोखरा वाले भैया लोग हो तो आप लोग का अगर हो गया है ट्रेड टेस्ट तो प्लीज़ कमेंट करिए या फिर मेरे टेलीग्राम पर डायरेक्ट आकर के टेक्स्ट कर दीजिए। टेलीग्राम का यूज़र आई डी क्या, @कैडेट हेमंत। और जिन लोगों का है वो लोग भी टेक्स्ट कर दें ताकि मैं और ऑथेंटिक क्वेश्चन ला करके आपको दे सकूं। हालांकि जो मैं बताया था आपको सबसे पहले वाले वीडियो में कि जो वेपन ट्रेनिंग का मैं बोला था कि लास्ट में आएगा, उस वीडियो को जाके पूरा देख लीजिएगा। जिन लोगों ने देखा था उन लोगों का तो काम बन गया, उन लोगों को तो समझ में आ गया था क्या पूछ रहे हैं। और जो लोग नहीं देखे थे उन लोग क्या कर सकते हैं। तो आर्मर ट्रेड टेस्ट का 3 सितंबर को क्या हुआ था, आज है आपका 4 सितंबर, अभी 9:30 बज रहा है। मैं आपको यह वीडियो 10 बजे से पहले या 10 बजे तक आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आपका क्या हुआ, आर्मर ट्रेड टेस्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, सबसे पहले मैं बता दूँ। जो ये आर्मरर वाले लोग हैं, आर्मरर आपका इन लोगों का काम क्या होता है, हथियार का मैं पहले ही 2 वीडियो शायद बना चुका हूँ, 2 वीडियो तो कम से कम तो है ही। अब आप लोगों का काम क्या हथियार से संबंधित है, तो हथियार के ही बारे में पूछा जाएगा। पहले क्या होता था, इसकी वैकेंसी जो आती थी कि डिपार्टमेंटल होती थी, लेकिन तो अब की बार क्या है कि ओपन है, डायरेक्ट एंट्री है। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स कंफ्यूज थे ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दिया था कि आप जो मेरा वेपन ट्रेनिंग का प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा जा करके, जो लोग देखे ठीक है। तो आपका क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे पहले मैं इस पर आ जा रहा हूँ। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो गए हैं। इसमें ट्रेड टेस्ट कैसे हो रहा है आपको बता दूँ, ट्रेड टेस्ट आपका एक सीट मिल रहा है, उस पर 20 क्वेश्चन लिखा हुआ हो रहा है, ओरल नहीं हो रहा है, रिटन हो रहा है, 20 क्वेश्चन लिखा हुआ हो रहा है और आपको उस पर बताना हो रहा है, आपको उस पर आंसर देना हो रहा है। तो आपका यह हो गया। अब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन क्या था कि जैसे पहला क्वेश्चन, अब सीरियल तो नहीं है, अब यही सब क्वेश्चन है, आर्मरर का कार्य क्या, आर्मरर का कार्य, वर्क ऑफ आर्मरर। इसके बाद क्या पूछा था कि अब यह सभी लोग जान लीजिए, आर्मरर हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, लैब वाला हो, चाहे आपका रेडियो ऑपरेटर वाला हो, कोई भी ट्रेड का हो, आप अपने वर्क प्रोफाइल को जान के जाइएगा अच्छे तरीके से, समझ के कि आपका कार्य क्या है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। उसके बाद आते LMG के बारे में पूछा, LMG का फुल फॉर्म। अब ये सब ऐसी टॉपिक्स है ना, मैं कोशिश करूंगा अगर आप लोगों का अच्छा खासा कमेंट आया, हाँ वीडियो बनाइए इस पर पर्टिकुलर, और आप वीडियो तब कहिएगा बनाने के लिए वो वेपन ट्रेनिंग का जो प्लेलिस्ट है उसको देख करके आ जाइएगा, उसमें उसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। और वैसे भी आप कमेंट करिएगा कि मैं आर्मरर से हूँ, वीडियो बनाए तभी आएगा, नहीं तो इस वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे कैंडिडेट्स तक पहुंचाएंगे तभी वीडियो बन पाएगा। देखिए रात का टाइम है, मेरे भी पास बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है आपके लिए, किसी तरीके से निकाल के ला रहा हूँ। मुझे आपका खुद कमेंट का रिप्लाई, वीडियो को एडिट, रेंडर, अपलोड, कमेंट, हर एक चीज़ करना रहता है। तो थोड़ा तो LMG का पूछा था कि LMG का पूरा नाम क्या है, लाइक मशीन गन। MMG का पूछ देगा मीडियम मशीन गन। HMG का पूछ देगा, तो ये सब LMG, MMG, HMG इन सब का आपको देख के रखना है। हैंड ग्रेनेड के बारे में, जैसे हैंड ग्रेनेड में आपका क्या होता है, SLR के बारे में, क्योंकि SLR मैं आपको पॉइंट्स कवर कराने की कोशिश करूंगा जैसा आपका रिस्पांस रहेगा, क्योंकि जैसा वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा आपसे वहां पे अधिकारी लोग जो भी हैं NCO, JCO और ऑफिसर्स के रैंक के लोग कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको करा दूं। क्योंकि मैं 2018, 2019, 2020, 2021 4 साल तक मैं रहा हूं उसमें, तो उन लोगों से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वेपन ट्रेनिंग के लिए बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो सिविलियन है, सिविलियन के बेसिस पे मैं छांट छांट के कोशिश करूंगा कि सिविलियन से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन तो वो लोग इस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हैं कि आप सिविलियन हैं, ठीक है, हल्का फुल्का कर रहे हैं, अब उनका मजबूरी है, वो भी क्या करेंगे। अब आते इंसास के बारे में पूछे थे, इंसास राइफल होती है, इंडियन मेड है, इंडियन न्यू INSAS होता है, इंडियन न्यू स्मॉल आर्म,
इसका पूरा फुल फॉर्म है, आप खुद देख लीजिएगा। 5.56 आता है, 7.76 एमएम आता है, बाकी बाद में देखा जाएगा। AK-47 जो कौन सा हथियार है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों का जान ले लिया है, तो ये AK-47 है। AK-47 के बारे में कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक का वीडियो मैं पहले से बना दिया हूँ। वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट डालने की कोशिश करूँगा कि आपको कम्युनिटी पोस्ट डालने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कैरेक्टरिस्टिक वाला है, नहीं तो आप खुद जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा AK-56 के बारे में। और रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, और ये जो राइफल का बेसिक चीज है, इन लोग इन जैसा ये सब आपका क्वेश्चन क्या है आए हुए हैं। बुलेट किस चीज से बनता है, स्ट्रिपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ राइफल, राइफल को खोलने और बांधने का बेसिक तरीका आपको मैं वीडियो में बताया हूँ, वही प्लेलिस्ट फिर से देख लीजिएगा आप फिर से, ठीक है। आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, मुझे मेहनत नहीं करना है, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है ट्रेड टेस्ट के लिए। और क्लीनिंग टूल, कौन कौन से क्लीनिंग टूल्स हैं इसके बारे में जानना है आपको। मैगजीन के टाइप्स, अब मैगजीन भी कई टाइप के होते हैं, एक डिटैचेबल मैगजीन होता है, ड्रम मैगजीन होता है, सर्कुलर मैगजीन होता है, इसमें भी कई टाइप्स के मैगजीन होते हैं, लगभग 7-8 टाइप्स के ही मैगजीन होते हैं, ठीक है। और मजल वेलोसिटी क्या होता है, ब्रस्ट ऑफ फायर क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आपका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो ये आर्मर ट्रेड टेस्ट का आपका 3 सितंबर का वीडियो है, उसमें क्या क्या पूछा गया, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स फेल हो चुके हैं, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फेल होंगे। जो लोग एनसीसी किए हुए या एनसीसी में अच्छे अच्छे मार्क्स ला करके स्कोर करके बैठे हुए, उसमें अच्छे तरीके से शिद्दत से पढ़े हैं, उनके लिए तो वहाँ पे आसान था। और बाकी वो भी लोग क्या करेंगे, एनसीसी वाले जो लोग पढ़ के नहीं गए थे तो भूल जाता है, दिमाग से उतर जाता है। जैसे SLR में 7.62 mm में कितने मैगजीन की कैपेसिटी कितना होती है, उसका जो है कि आपका मजल वेलोसिटी कितना है, इफेक्टिव वेलोसिटी इफेक्टिव रेंज कितना है, उसका मैक्सिमम रेंज कितना है, काफ़ी सारे इसमें कंसेप्ट होते हैं। और खुलने का और जोड़ने का तरीका क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में आपको जानना होगा। तो इस छोटे से वीडियो में छोटे से क्या, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को पहले सबको शेयर कर दीजिएगा जो लोग हैं, और अगर आप लोग हैं तो मुझे कमेंट करिए और कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।